तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन थी बेटा बात करें उसमें इतना सा था, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द गुड़े बात कर बॉन्ड इन डीएनए इस गुड़े बात कर नियरली कितनी लग रही है, 10^-20 जूल। दिस गुड़े बात कर वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट नियरली, सीधी सी बात है गुड़े बात कर एनर्जी आपको दे रखा था, एनर्जी का रिलेशन है ये, ठीक है। एनर्जी कितनी दे रखी है, 10^-20 जूल। अब वो ये कह रहा है कि इसको गुड़े बात किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में कन्वर्ट कर दो, इतना ही करना है कि कुछ और करना है, यही करना है। तो कैसे करेंगे अपन बताओ बेटा, बात करें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू क्या होता है, 1.6 × 10^-19 जूल। तो 1 जूल की वैल्यू क्या होगी, 1 जूल इक्वल्स टू, इसका मतलब इस नंबर को उठा के इसके नीचे पटक दो तो कितना आ जाएगा, इसके नीचे अगर अपन ले जाते हैं तो कितना आएगा सोचो, 1 जूल इक्वल्स टू 1/1.6 × 10^-19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो गुरु कुछ करना नहीं बेटा, ये का यही लिखा रहने दो, ठीक है। कितना लिख दिया अपन ने गुड़े, ये तो वैसे ही लिखा रहने दिया, कितना आ गया 10^-20 जूल। बस 1 जूल की वैल्यू लिख दो, 1 जूल की वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 1 जूल। 1 जूल की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/1.6 × 10^-19 पूरे बात करें क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आ गया ना। तो जो जूल में वैल्यू थी वो किस में आ गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई, ठीक। अच्छा ये -20 था, कितना था बेटा 20 था, -19 से माइनस के 20 गए, ठीक है, क्योंकि ऊपर जाके प्लस होता तो कैसे कटता, ये कितना बचा -1। अब माइनस का वन है बूढ़े, तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, ऊपर कितना बचा 10^-1 और नीचे है 1.6 ही है, ठीक है। तो इसका बेटा पॉइंट उड़ाओगे तो ऊपर एक 10 लग जाएगा, 10 की पावर कुछ नहीं तो +1, +1, -1 कैंसिल हो गए, तो क्या बचा ऊपर 1 अपॉन कितना बेटा 16 की बात करें, अगर ये छोटा है तो इसमें एक जीरो जोड़ लो, जीरो जोड़ोगे तो आपका पॉइंट लग जाएगा, अभी भी छोटा है, अभी और बड़ा करना है, क्योंकि एक था मुझे इसको बड़ा करना था 16 से, तो एक जीरो जोड़ा बेटा तो पॉइंट लग गया, एक जीरो और बढ़ाओ क्यों, ताकि 16 से बड़ा बन जाए, एक जीरो बढ़ा दी 10 हुआ था, छोटा ही था, एक जीरो और बढ़ा दिया तो एक जीरो लग गया, पहले पॉइंट लगना फिर जीरो। अब करो 16×5=16, 16×6=96, ठीक है ना, लगभग 6 टाइम गया और बचा यहाँ पे 4, तो 4 में तो 16×32 नियरली 0.62 पूरे बात करें करीब आंसर चाहिए, तो 0.06 कितना आंसर आ रहा है, 0.06 आंसर क्या आ गया सी, ठीक है। इतनी सी बात थी, कन्वर्ट किस में करना था बेटा बात करें, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, आपको जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिलेशन आना चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट = 2 बेटा बात करें कितना होता है 1.6 × 10^-19 जूल, और गुड़े बात करें 1 जूल = 2 क्या आ जाएगा 1/1.6 × 10^-19 जल्दी बोलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप इस बेटा बात करें इसकी जगह वैल्यू रख दो, जितना जो जितना वैल्यू है उसको वैसा लिखा रहने दो, और इसको हम यदि दबा लें तो क्या दिख रहा है हमें सिर्फ 1 जूल, 1 जूल की आप वैल्यू को पुट कर दो, इतना आपने वैल्यू पुट करी तो आपका आंसर कितना आ गया 0.06, और दो अगर गुड़े बात करें हमको डेसिमल पॉइंट तक चाहिए तो आ जाएगा नहीं आ पाएगा। तो एनर्जी जो हमारे पास 10^-20 जूल थी डीएनए को ब्रेक करने में, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में आ रही बेटा बात करें 0.062, और हमारा आंसर 0.06 तक पूरा हो रहा है ये कंडीशन। अच्छा इंपॉर्टेंट बात ये है कि गुड़े बात करें आपको जो डीएनए है, डीएनए को ब्रेक करने के लिए मतलब किसको तोड़ना है, हाइड्रोजन बॉन्ड को, जो डीएनए के दोनों स्टैंड होते हैं ना वो हाइड्रोजन बॉन्ड के दोनों जुड़े होते हैं, उनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी लग जाएगी, ठीक है इतना कर लो। अब नेक्स्ट पॉइंट है द रेडियस गुड़े बात करें ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, इनर मोस्ट ऑर्बिट का मतलब क्या है, फर्स्ट ही ऑर्बिट होगा और क्या, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या रहेगा अगर हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन मतलब 1H1, तो एक प्रोटॉन ही मिलेगा बेटा, न्यूट्रॉन तो क्या रहेगा हाइड्रोजन के अंदर, जीरो ही रहता है, ठीक है। फिर गुड़े बात किसकी सेल आती है, ये फर्स्ट सेल है, और फर्स्ट सेल को अपन क्या बोलते हैं, इनर मोस्ट सेल, क्या बोलते बेटा इनर मोस्ट, क्योंकि पहली सेल इनर मोस्ट सेल हुई, तो इनर मोस्ट सेल है ये, ठीक है। अच्छा इसमें अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसकी जो रेडियस होती है वो तो हमें ही पता है, क्या बोलो उसने, द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना, ठीक है हमें भी तो इतनी पता है, हम क्या बोलते बेटा बात करें जो रेडियस है पूरे बात करें फर्स्ट सेल की वो होती है 0.529, 9 हटाओगे तो आगे 2 क्या बन जाएगा 3, देखो वो 3 में दे रहा है तो 0.53 × पूरे बात करें n² / z यंगस्ट्रॉम, देखो उसने यंगस्ट्रॉम में दी नहीं आपको, 1 यंगस्ट्रॉम = 10^-10 मीटर, तो अगर बेटा इसको अपन मीटर में लिखें तो क्या जाएगा 0.53 × पूरे बात करें 10^-10 पूरे बात करें पता है बिल्कुल
जल्दी बोलो, एन स्क्वायर अपॉन जेड किस में आ गया, इन मीटर। देखिए उसने बोला नहीं, -11 के टर्म में चाहिए, तो ठीक है पॉइंट हटाओगे आप, जैसे पॉइंट कम करोगे तो पावर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसका पावर 0.53 की जगह वो क्या लिखते हैं, 5.3, तो यहाँ पर कितना आएगा, -11। तुम 53 लिखो तो -12 लग जाएगा, इतना बुरे बात कर दे रखा है, ठीक है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड, गुड बात करें, अलाउड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, पर किस में दे रखा है, देखो यंगस्ट्रॉन्ग में, तो जबरदस्ती में तुम मुझे मीटर में सिखा रहे हो और खुद यूज किसका कर रहे हो, इसका कर रहे हो, तो हम भी इसी का यूज करेंगे ना गुड़िया अपने फॉर्मूले का, आपको इसी से निकालना है, हमें इसके बता रहा है मीटर में, बस वो ये चाहता है कि क्या तुम्हें मीटर को यंगस्ट्रॉन्ग बदलना आता है, हमें तो बहुत पहले से आता था, ठीक है। अपना हर 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 बार हैप्पी बर्थडे सीरीज तो मना देते अपन, आज एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते, कल सॉल्यूशन पढ़ते, ऐसे पढ़ते, तो आ जाएगा अपन को, तो बहुत छोटे से ही आते हैं ये, तो फिर उनको फर्स्ट क्लास में आ गया था, आ गया था क्या, फर्स्ट क्लास में आ गया था यंगस्ट्रॉन्ग रेडियस में रिलेशन, तो निकाल दो किस में चाहिए, थर्ड सेल में चाहिए ना, किस में चाहिए, थर्ड में निकल जाएगा, क्या आ जाएगा, 0.53 इंटू थर्ड सेल 3 का स्क्वायर अपॉन हाइड्रोजन एटम है तो 1 रहेगा, इंटू क्या आ गया बेटा, यंगस्ट्रॉन्ग। अब 0.53 समथिंग अपॉन 1 करो तो समथिंग ही आएगा, 0.13 इंटू 9, और ये यंगस्ट्रॉन्ग में आ गया, और इसका आंसर कितना बैठ रहा है बेटा, 9, 9, 27, 7 आए और 2 है ना, तो 9, 45, 47, 47, तो 4 पॉइंट बुढ़े बात के 7, 7 यंगस्ट्रॉन्ग आ रहा है, ये आंसर है क्या, ये आंसर है, मतलब अपना को फॉर्मूला लग रहा है, तो ये क्वेश्चन भी अपना फिनिश होता है, ये तो हो ही गया और ये भी हो गया, थर्ड की जो है वो कितनी आ रही, 4.77 यंगस्ट्रॉन्ग एग्जैक्ट वेट की गुड़े बात करें। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द गिवन सर्किट। अच्छा ये जो सर्किट है गुड़े बात के, इसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ये क्या लगाना पड़ेगा, केवीएल लगा दो, किरचॉफ वोल्टेज लो। तो ऐसा कह रहा है कि दो बैटरी है, एक गुड़े बात करें 10 वोल्ट की है बेटा, और एक गुड़े बात करें किसकी है, 5 वोल्ट की है, यहां पर उसने कहा एक ई पॉइंट है, ये 5 वोल्ट की है, इधर गुड़े बात करें कोई रेजिस्टेंस जोड़ रखा है जिसको उसने कहा ये 2 ओम है, और इधर रेजिस्टेंस जोड़ रखा है बेटा बात करें जिसने कहा ये किसका है, 1 ओम का है, समझ पा रहे हो, अच्छा अब अपन आगे जाते हैं, तो और क्या दे रखा है, अच्छा 7 ओम यहां दे रखा है, 7 ओम आ गया, और क्या है, ए बी पॉइंट, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ई पॉइंट है, और कोई सी डी पॉइंट है, ये सी और ये डी है, तो कैसे निकल जाए बेटा बात कर, चाहिए क्या अपन को, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट चाहिए, तो करंट का फॉर्मूला तो सिंपल है, टोटल करंट चाहिए अपन को, तो गुड़े बात करें क्या चाहिए, टोटल वोल्टेज अपन क्या चाहिए बेटा, आर इक्विवेलेंट, क्या चाहिए, आर इक्विवेलेंट, टोटल वोल्टेज उठा दी, दो बैटरी है, अच्छा दो बैटरी बेटा बात करें तो जॉब से क्या कहा था कि अगर मुझे दो सेल है मेरे पास तो ई नेट कैसे आएगा, अगर दोनों की सिमिलर पोलरिटी है, अगर दोनों की गुड़े बात करें सिमिलर पोलरिटी वाली प्लेट आपस में जुड़ी हुई है तो उनको अपन को क्या करना है, माइनस करना है, और अपोजिट पोलरिटी जुड़ी तो उनकी पावर को, उनके पोटेंशियल को उनको क्या करना है, ऐड करना है, तो आपको पता है कि इसका पोटेंशियल हाई है और ये लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, दोनों बैटरी दोनों सेल आपस में सिमिलर पोलरिटी की प्लेट से जुड़े तो इन दोनों का गुटे बात में जो इफेक्टिव ईएमएफ आएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आएगा, जो वोल्टेज आएगा वो गुटे एक दूसरे से कम होकर आएगा, तो अपन क्या करें बड़ी बैटरी में से छोटी बैटरी को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो ये ई वन मान लो बेटा और ये क्या मान लो इसको ई टू, तो टोटल कितना आ गया हमारे पास, 10 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट बराबर कितना आ गया बेटा नेट, तो इसका मतलब 5 वोल्ट तो नेट मेरे पास दोनों बैटरी का रिजल्टेंट बना, इसका मतलब एक बैटरी बन गया, कितने वोल्ट की है गुड़े, 5 वोल्ट के, तो 5 वोल्ट आ गया, मतलब वो लगा दो 5 वोल्ट अपॉन आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट गुड़े बात का देखें तो कितना हो रहा है, 2, 1, 3 और गुड़े बात का हमारे पास 7, तो इनको जोड़ना ही क्यों, कैसे पता चला, पैरल भी तो हो सकते, नहीं पैरल नहीं है, क्यों, अगर ये बैटरी का दीदी हाई पोटेंशियल है तो ये करंट देगा इतना, और जितना इससे करंट निकलेगा बेटा बात कर उतना ही वापस ये बैटरी लेगी भी, ठीक है, तो यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा और यहां से आ जाएगा, और वापस बैटरी ने जितना करंट दिया होगा उतना इसको मिल जाएगा, हमेशा हमेशा क्या आपसे क्या कहा है, अगर दो बैटरी है तो उनको गुड़े बात करें पहले तो एक बैटरी बनाया करो, ठीक है, और हमेशा ज्यादा वाली बैटरी की चलती, क्योंकि उसमें से तुम छोटे वाले को जोड़ोगे या माइनस करोगे जो भी होगा, तो इसको हमेशा याद रखना कि दो बैटरी अगर है और उनकी सिमिलर पोलरिटी, अगर नेगेटिव नेगेटिव को भी जोड़ दे तभी हम उसमें से घटाते हैं,
तो करंट कहां से जाएगा बताओ बेटा बात कर। अब इसमें अगर इस तरफ से देखें आप, तो ए से कहां जा रहा है, ई से कहां जा रहा है, बी से कहां, सी, और डी से वापस कहां, एक्स-रे आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास इसका मतलब 2 ओम में से कितना करंट जा रहा है, आई जा रहा है ना, क्योंकि यहां से आई निकला था। 1 ओम में से भी कितना जा रहा है बेटा, आई, उसमें से निकला, वही आई किस में से गया, 7 ओम में से, और बेटा बात कर लौट करके वही आई करंट वापस बैटरी को मिल गया, गया कि नहीं गया। तो चलो अपन बैटरी से बोलते हैं, आई निकला, आई किस में एंटर किया, वन में, आई यहां से निकला वन से, किस में एंटर किया, 7 ओम में, आई निकला किस में एंटर किया, 2 ओम में। तो जब करंट बेटा सिमिलर है रेजिस्टेंस में, तो रेजिस्टेंस किस में आ गया, सीरीज में, सारे रेजिस्टेंस सीरीज में, तो अपन को सीधे जोड़ देते हैं, आर इक्विवेलेंट कैसे आ जाएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, पूरे बात का इतने ओम, कितना आ रहा है, 5 वोल्ट अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 7 ओम। ठीक है, 5/10, और वोल्ट बाय ओम क्या बन जाएगा बेटा, एम्पियर। तो ये करंट आ गया हमारे पास 1/2, या गुड़े इसके ऊपर लिख सकते हैं कि 0.5, कितना बोल सकते बेटा बात कर, तो 0.5 एम्पियर, जो बोलना हो वो बोल दो, 0.5 एम्पियर बिल्कुल सही है, 1/2 बेटा बात करें एम्पियर बिल्कुल सही है, जो बोलना है वो बोल सकते हो। समझ गए, सही था गलत था क्वेश्चन, और आपका करके आए ठीक है, मतलब यहीं पर किया था फर्स्ट टाइम और सही कर दिया था, और आपका, अरे यार देखो, और देखो खुशी तो देखो दीदी की, इसको बोलते हैं देखो जब दूसरे का, यहीं से याद था। मेरा विश्वास नहीं था तो फिर क्यों काटा, हाँ ये तो मैंने कहा इनसे कि अपन सॉल्व कर रहे हैं, तुम्हें वहां ना वो आंसर याद है, लेकिन जो अपन सॉल्व कर रहे हैं, अगर वो आंसर मेरा जो आ रहा है वो गलत भी क्यों ना हो, गलत लगाना है, क्यों सीखना है, इंपोर्टेंट ये नहीं है कि बूढ़े बात के मैं रट के आ जाऊं, ऐसे तो तुम रट के आ जाओगे। क्वेश्चन अपन जो दे रहे हैं बेटा बात का वो इसलिए दे रहे ताकि वो चीज अपन को सॉल्व करते आए, अगर तुम्हें दिमाग लगा लोगे ना तो हो सकता है बेटा अगली बार पोलरिटी सिमिलर जुड़ जाए, तो तुम जोड़ तो पाओगे, इनमें इन चीजों को जरूर लिखना जो चीज अपन इसमें सीख रहे हैं, अगर सिमिलर पोलरिटी की प्लेट्स जुड़ी तो बड़े में से छोटे को माइनस करो, और अगर अपोजिट पोलर जुड़ी दोनों को ऐड कर दो, और करंट हमेशा हाई पोटेंशियल और टर्मिनल ऑफ बड़ी बैटरी उठाना है। ठीक है, तो इससे बेटे ये आ जाएगा। अब मुझे ये समझ में आ गया कि जो करंट है मेरा वो कितना आ रहा है बेटा बात कर, वो आ रहा है 0.5, तो 0.5 का है ये, है ना, एक ही तो था, एक था बुरा बात में 0.5, और भी था क्या, कोई 5/9 है, हो नहीं सकता, 1.5 हो नहीं सकता, 0.2, 0.2 हो नहीं सकता, है ना, तो 1 0. अच्छा अब करंट जा कहां से रहा है बेटा, ए टू बी जा रहा है, ए टू बी जा रहा है थ्रू ई, ए टू बी नहीं जा रहा है, डी टू सी नहीं जा रहा है, ए टू बी जा रहा है गुड़े बात को, जा रहा है थ्रू ई, ई से होके जा रहा है, मतलब ये करंट की डायरेक्शन है, कुछ समझ पा रहे बेटे, समझ गए, ये है करंट की डायरेक्शन, उम्मीद करते हैं हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है, सेल है बेटा बात करें, सेल को देखो अगर सिमिलर पोलरिटी की प्लेटें जुड़ी तो माइनस ही होगा, अपोजिट की जुड़ी तो ऐड कर दो। ठीक है, हाई पोटेंशियल ऑफ जो लार्ज बैटरी है उससे करंट निकालो और वापस अपने नियम के अकॉर्डिंग उतना ही करंट उसको दो, अगर सभी रेजिस्टेंस में से सिमिलर करंट जा रहा है तो दोनों को सभी किस में आगे, सीरीज में, उनको जोड़ दो, टोटल करंट चाहिए, टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज मतलब इफेक्टिव वोल्टेज, टोटल का मतलब ये मत करना 10 प्लस 15, 10 प्लस 5 15 कर दो, हाँ इफेक्टिव, इसलिए अपन ने क्या लिखा बेटा बात कर, वैसे अगर मुझे बोलना चाहिए तो मुझे बोलना चाहिए इफेक्टिव वोल्टेज, क्या बोलना चाहिए बेटा बात कर, इफेक्टिव वोल्टेज, वो ये आ गया, और कोई तकलीफ, इससे रिलेटेड क्वेश्चनों में कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, अभी भी आगे बढ़े, नोट करो उसको फटाफट।